अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुमेरी तहज़ीब के सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का हिस्सा अव्वल आज आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। सुमेरियों ने इंसानी तहज़ीब के हवाले से जो अहम खिदमात अंजाम दी, उस सिलसिले में ये इंतहाई ज़रूरी है नाज़रीन कि हम सुमेरी माशरे को देखें। सुमेरी माशरे में मुख्तलिफ तबकात और उनके किरदार को ज़रा तफसील से देखें। इसी तरह सुमेरी माशरे में औरत का क्या मुकाम है और मर्द का क्या मुकाम था। इसी तरह मर्द और औरत का माशरे के अंदर उन दोनों का आपस में जो ताल्लुक था उसकी नौइयत क्या थी। ये तमाम चीज़ें सुमेरी माशरे की तश्कील और उसकी तरकीब के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। मज़ीद बरां सुमेरी माशरे में रहन सहन कैसा था, इसी तरह नाज़रीन सुमेरी माशरा जो था इसमें तिजारत की नौइयत क्या थी, मईशत के हवाले से क्या मामलात थे और क्या ये इनकी तजारत ये मुल्की सतह पर ही थी या फिर ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी थी। इस चीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो का ये जो हिस्सा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो आइए ज़रा आज इन तमाम चीज़ों के मुख्तलिफ पहलुओं को जानते हैं। नाज़रीन, तांबा की दरियाफ्त ने इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की और वो ये थी कि अब उसके औज़ार और हथियार धात के हो गए थे। फ़ायदा ये था कि उसे कूट कर मोटा और पतला किया जा सकता था, उसे गर्म करके जिस शख्स में चाहे ढाला जा सकता था और टूटने की सूरत में दोबारा जोड़ा जा सकता था। उसकी धार को पत्थर पर घिस कर दोबारा से तेज़ किया जा सकता था। इस धात और उसके इस्तेमाल ने कई ईजादात को पैदा किया, यानी भट्टियाँ के जिनमें उसे गर्म किया जाता और पिघलाया जाता था, सांचे जिनमें औजार और हथियार ढाले जाते, चिमटे जिनसे पकड़कर उठाया जाता। धात साजी नतीजतन एक फ़न हो गया था, इसीलिए इसके माहिर कारीगर कहलाए जिन्होंने बाकायदा इसे पेशे के तौर पर इख्तियार किया। अब ये कारीगर सुमेरी माशरे में ज़रात, शिकार और घरेलू काम के लिए मुख्तलिफ किस्म के औज़ार तैयार करने लगे थे। उनकी शहरों में कानें भी थीं और ये गांव-गांव, बस्ती-बस्ती फिरकर धात के सामान की मुरम्मत किया करते और नए औज़ार फरोख्त किया करते। उनकी इसी मेहनत के इवज़ इन्हें अनाज और ज़रूरत की चंद चीज़ें मिल जाती थी। धात के इन औज़ारों का एक असर ये हुआ कि अब ज़रात की पैदावार में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से सुमेरी लोग खुद कफील होने लगे। शहरों में दूसरे कामों में ये मशगूल रहते थे और ज़रात की वजह से उनका गुजारा अच्छा हो गया था। दूसरा असर ये हुआ कि चूंकि धातें हर जगह नहीं मिलती थीं, इसलिए इन्हें दूसरे इलाकों से लाया जाने लगा, जिसने तिजारत को आगे बढ़ाया। धातों के औज़ारों ने जहां और तब्दीलियां कीं, वहां उसकी वजह से मर्द और औरत के दरमियान भी फ़र्क पैदा हुआ। अब औरत खेती बाड़ी में हिस्सा लेती थी, वो खुरपी से ज़मीन खोदकर बीज डालती थी, फसल तैयार होने पर उसकी कटाई करती थी। मगर जब हल आया और उसके साथ ही बैल के ज़रिए हल को चलाया जाने लगा, तो उसने एक तरफ तो औरत को उस सख्त मेहनत और मशक्क़त से निजात दिला दी कि जिसमें वो मुब्तला थी, मगर दूसरी तरफ उसका समाजी रुतबा गिर गया क्योंकि अब वो खेती बाड़ी में हिस्सा नहीं लेती थी जो पहले उसका काम था। धात और धात के औज़ारों ने मर्द को उस पर फोकियत दे दी। समाज में औरत का मकाम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। नाज़रीन, वादी दजला व फरात में खेती बाड़ी की इब्तदा तकरीबन 7000 साल कबल मसीह में हो चुकी थी। इस खत्ते में हज़री ज़िंदगी के लिए जो काश्तकारी की बुनियादी शर्त है, हालात इंतहाई साजगार थे। यहाँ जौ और गेहूँ के जंगली पौधे आसानी से मिल जाते थे।
उलमाए इमरानियात का ख्याल है कि ज़रात सुमेरी इलाकों में औरतों ने ईजाद की और मवेशी पालना भी दरअसल औरतों ने ही सिखाया। शायद कयास भी यही कहता है क्योंकि मर्द तो जंगली जानवरों का शिकार करने चले जाते थे और औरतें अमूमन मुकामी जगहों पर रहती थीं और उनका काम बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, पोशाक तैयार करना था। नाज़रीन, सुमेर के ख़त्ते को सुमेरी ज़ुबान में की एन कई यानी झाव की ज़मीन कहते थे। ये इलाका चूँकि बूदोबाश के लिए सख्त नामौजू भी था क्योंकि वहाँ का मौसम गर्म और मरतूब था। ज़मीन पर छोटी छोटी झीलों और नदी नालों का जाल फैला हुआ था और दलदल झाव और नरसल के झाड़ियों से अटे हुए थे और झाड़ियाँ जहरीले जानवरों और दरिंदों से भरी पड़ी थी। जनूबी इराक का जुग्राफी माहौल और तर्ज़ माशरत आज भी तकरीबन वही है जो 6000 साल पेशतर था। चुनाचे बहुत से माहरीन, जिनमें सीटन लॉयड अपनी किताब फाउंडेशंस इन द डस्ट में इस माहौल की बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर कशी करता है, और वो ये कहता है कि इस अजीब व गरीब दुनिया में वहाँ के अरब बाशिंदे छोटी छोटी कश्तियों में बैठे अपने जानवरों की देखभाल करते रहते हैं। उनके शयूख के कलीसा नुमा मेहमान खाने, जो फ़कत नरसल और गारे से बने होते हैं, अहले सुमेर के 6000 बरस पुराने माबदों से बहुत मुमासलत रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, सुमेरी बड़े जफाकश, ज़हीन और हुनरमंद लोग थे। उन्होंने अपने माहौल से हार नहीं मानी बल्कि उसको अपना मुती बना लिया। उन्होंने जंगलों को काटा, दलदलों को खुश किया, बस्तियाँ आबाद कं और काश्तकारी में मगन हो गए। उन्होंने डेल्टा की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ थी, गुबारिश बहुत कम होती थी, लेकिन ये कमी दरिया फरात पूरी कर देता था। चुनाचे दुनिया की पहली नहर, जिसका जिक्र किसी तहरीर में आया है, सुमेर में ही खोदी गई थी। ये नहर इराक में आज भी मौजूद है। इस नहर को रियासत लागाश के एक बादशाह ने तकरीबन 5000 बरस गुजरे खुदवाया था। ज़रात ने सुमेरिया की तहजीब को उभरने, आगे बढ़ने और फैलने में बहुत मदद दी। ज़रख़ेज़ ज़मीन, आबपाशी का निज़ाम और किसानों की सख्त मेहनत ने पैदावार को बढ़ाया और ज़ायद पैदावार ने शहर में रहने वाले लोगों को ग़िज़ा की फरावानी में मदद दी, और उन्होंने अपना ज़्यादा वक्त सनत व हिरफ़त, कारीगरी और आर्ट में लगाया। दजला व फराज की सरजमीन में जौ, गेहूं और बाजरा खास फसलें थीं और अहले सुमेर की दीगर खुराकों में खजूर और जौ की रोटी भी शामिल थी। उनके हल में एक नलकी लगी होती थी ताकि जुताई और बवाई तो साथ साथ हो जाए। यूनान के मशहूर मौर्रिख हेरोडोटस ने इस इलाके की ज़रखेज़ी का जिक्र करते हुए लिखा है कि यहाँ पैदावार बीज से 300 गुना ज़्यादा होती हैं। ज़ाहिर है ये पैदावार आबादी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा थी। चुनाचे अहले सुमेर अपनी फाजल पैदावार को कुर्बोजवार के ममालिक को बरामद किया करते थे और उसके इवज तांबा, चांदी, लकड़ी और दीगर चीज़ें दरामद किया करते थे। सुमेरियों के यहाँ निज़ाम आबाशी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए असूलों कवानीन मौजूद थे, जिसकी वजह से खेतों को पाबंदी से पानी मिलता रहता था। जब आबादी बढ़ना शुरू हुई तो इसके साथ ही इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मज़ीद ज़मीन को काश में लाया गया और उसने पैदावार में मज़ीद इजाफा किया। अहले सुमेरिया के लिए ज़िंदा रहने और हालात से मुकाबला करने के लिए तजारत ज़रूरी थी, क्योंकि उनके यहाँ ज़मीन दलदली और सैलाबी थी जो जंगलों में घिरी हुई थी। इसलिए साजो सामान, औजार और हथियार बनाने के लिए इन्हें खाम माल दस्तियाब नहीं था। पत्थर के ज़माने में भी इन्हें ये दुश्वारी थी कि यहाँ सख्त पत्थर नहीं था कि जिससे वो औजार बना सकें। जनूबी मेसोपोटामिया में कोई धात नहीं होती थी, इसलिए इन्हें औजार और हथियार बनाने के लिए धातों को बाहर से लाना पड़ता था। इमारतें बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर भी बाहर से लाना पड़ते थे। सुमेरियों की ज़मीन मादनियात से खाली होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ न तांबा था, न टिन, न सोना, न चांदी, हत्ता के
खजूर के अलावा कोई लकड़ी भी मुयसर न थी, मगर अहले सुमेर के पास अनाज चुके फरावानी थी और अनाज ऐसा माल है जिसके इवज वो हर किस्म की धात और लकड़ी दूसरे मुल्कों से दरामद कर सकते थे। चुनाचे तांबा अनातोलिया और आर्मेनिया, आज़रबाईजान से, कांसा अम्मान से, टिन ईरान और अफगानिस्तान से, चांदी अनातोलिया से, सोना, हाथी दांत, कीमती लकड़ी, मोती हिंदुस्तान से, मोहरें, अंगूठियां और बर्तनों के सांचे सिंध से मंगवाए जाते थे। इसी तरह देवदार की लकड़ी लुबनान के इलाके से आती थी। अहले सुमेर इन खाम अशिया से नहायत उम्दा किस्म की मसनूआत तैयार करते थे और फिर इन्हें दूसरे मुल्कों के हाथों फरोख्त करते थे। इसके अलावा शाम, ईरान और बहरीन से भी अहले सुमेर के तजारती ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अहले सुमेर और उनकी ये तजारती सरगर्मियाँ उन्हें अपने अहद का बरतानिया या जापान बना रही थीं। तिजारत दरिया, समंदर और खुश्की के रास्ते से होती थी। दरियाओं में छोटी किश्तियाँ चला करती थीं, लेकिन खुश्की के रास्ते चूँकि ख़तरनाक थे, रास्ते में सहरा, पहाड़ और जंगल भी आते थे कि जहाँ अब तक वहशी कबाइल आबाद थे जो इन काफ़लों पर हमले करते और उनका माल व असबाब लूट लिया करते। इसलिए तजारती काफ़िले मुसल्ला दस्तों की हिफाजत में जाया करते थे। इन कबाइल से या तो दोस्ती कर ली जाती थी या फिर उनका मुकाबला किया जाता। काफ़िलों में ताजरों के अलावा इनके मुलाजिम, महाफिज और मुसाफिर भी हुआ करते थे। तजारती सामान के साथ खाने पीने का सामान और दूसरे लवाजमात भी यकीनन साथ होते थे। तिजारत ने सुमेरियों की माशी हालत को बेहतरीन बना दिया। चुनाचे इसी वजह से सुमेरी ताजर दूसरे मुल्कों और इलाकों की सकाफत से वाकिफ हुए और इसने दुनिया के बारे में सुमेरियों की वाकफियत और इल्म में इजाफा कर दिया। नाज़रीन, अशियाए खाम की किल्लत किसी मेहनती और होशियार कौम के लिए कभी रुकावट नहीं बन सकती, बल्कि हौसला और हिम्मत की आजमाइश उन्हें नामुसाद हालात ही में होती है। जिन लोगों और अकवाम के कवाब कमज़ोर और दिलो दिमाग ज़ईफ होते हैं, वो हालात की सख्त गिरियों और जफा तलबियों के सामने हथियार डाल देते हैं और बिलाखिर जमूद का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो कौमें कारजार हस्ती में जहद मुसलसल और जफा कशी को अपना शार बना लेती हैं, तरक्की की दौड़ में दूसरों पर सबकत ले जाती हैं। सुमेर और अहले सुमेर ऐसे ही जिंदा दिलों की बस्ती थी। चुनाचे महल और माबद की सख्त गिरियाँ भी अहले सुमेर की तख्लीकी और सनती सलाहियतों को पामाल न कर सकें। यही वजह है कि मशहूर हिस्टोरियन लियोनार्ड वूली मेसोपोटामिया एंड द मिडल ईस्ट में इस बात का इतराफ़ करते हैं कि मकामी हालात ही ने अहले सुमेर को महज़ब बनने पर मजबूर कर दिया था। वो बरामद के लिए मसनूआत तैयार करते थे ताकि अपनी मुल्क की ज़रूरियात के लिए खाम माल पैदा कर सकें। वो धातों के सबसे अच्छे कारीगर थे, हालांकि हैरत अंगेज़ तौर पर उनके अपने मुल्क में धातें नापैद थीं। सुमेरी हिसाब किताब और आदादो शुमार के लिए गिनती से वाकिफ थे, नाप तोल और पैमाइश के लिए असूलों को तय कर चुके थे। वक्त को उन्होंने 24 घंटों में तकसीम करके दिन रात को 12-12 घंटों में तकसीम कर दिया था। उसी की बुनियाद पर धूप घड़ी, आबी घड़ी और रेत घड़ी की इजादात हुई। तहरीर, मोहरें, पैमाइश, नाप तोल और वज़न के औजारों ने समेरिया की तहजीब में अहदेदारों और अफसरों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए। तो लीजिए नाज़रीन, हिस्सा अव्वल इख्तिताम होता है। आइंदा हम हिस्सा दोम लेकर आएंगे, जिसमें सुमेरी मज़हब और सुमेरी शहरों के बारे में गुफ्तगू होगी।